अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आलू की टिक्कियाँ कैसे बनाई जाती हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे 7 पोटैटोस आलू मीडियम साइज़ के यूज़ कर रही हूँ, 2 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ज़ीरा। पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मुझे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट चाहिए। इसे मैं इसमें ऐड करके टिक्कियों पर लगाने के लिए यूज़ करूँगी। और एक बाउल में इसमें दही ऐड कर रही हूँ ये रायता बनाने के लिए। आलू को पहले मैंने बॉईल कर लिया था, ये बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी हरी मिर्च और कुटा हुआ धनिया, सारे मसाले, और इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। अच्छे से इसे मैश कर लें, साथ इसका नमक टेस्ट करें। मैंने इसका नमक टेस्ट किया, इसमें थोड़ा सा नमक कम है। मैं 1/2 टीस्पून नमक इसमें और ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मैश कर लूंगी ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और टिक्कियां मुनासिब बन सकें। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसका थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेती जाऊँगी, गोल गोल इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। मैंने इसे गोल टिक्की बना के तैयार कर लिया। मैंने थोड़ी सी छोटी टिक्की बनाई है, बड़ी बनाओ तो वो थोड़ी सी कच्ची रह जाती है अंदर से। ऐसे ही हम सारी टिक्कियाँ गोल गोल बना के रख लेंगे। टोटली मिक्सचर की मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, होल मिक्सचर की मैंने बॉल्स बना के रख ली हैं। इस पे लगाने के लिए मैं बेसन का पेस्ट बना लूँगी। इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है पतला सा, ताकि टिक्कियों पर सही लग जाए। आलू की टिक्कियों की बॉल्स और बेसन मैं तैयार कर चुकी हूँ। साथ ही मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के हैं। अब हम इन बॉल्स को टिक्की बना लेंगे ऐसे करके। इन्हें मैंने ऐसे बना के रख लिया है, तकरीबन सारी मैं ऐसे बना लूँगी। गर्म हो गए, इनकी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं इसे बेसन में डिप करके अच्छे से कुकिंग ऑयल में ऐसे रख दूंगी। बारी बारी ऐसे सारी टिक्कियां हम रख लेते हैं बेसन लगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म है, मैंने इसमें डाल लिए हैं। जब ये नीचे से लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा फिर मैं इसकी साइड बदल दूंगी। ये नीचे से लाइट ब्राउन कलर हो गया, अब मैं इसे पलट दूंगी ऐसे बारी बारी सबको। मैंने साइड बदल दी है, ये लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब मैं इसको दूसरी साइड से पकने के लिए रख दूँगी। साथ साथ इसका ख्याल रखते रहें कि नीचे से जल नहीं जाए। अब हम इसे आराम से पलट देंगे। ये देखें ये बननी शुरू हो गई हैं। आलू की टिक्कियाँ दोनों साइड से अच्छी तरह बन चुकी हैं। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इन्हें निकाल लूंगी प्लेट में। इसे बारी बारी में अच्छे से निकाल लूंगी। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर बिछा लिया है ताकि जो इसका थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है वो उसमें ही जज्ब हो जाए। टिक्कियाँ मैंने तैयार कर लिया हैं, उसके साथ मैं दही का रायता तैयार कर लूँगी। उसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ और रायता बनके तैयार है। आप इसके साथ मायोनीज, केचप और दूसरा सिंपल रायता भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो आपको सिंपल और मज़े की आलू टिक्कियों की रेसिपी बताई, आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।